जनसंपर्क एवं आभार यात्रा के दौरान शनिवार को गया पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह रविवार को औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। औरंगाबाद जाने के क्रम में सिरघाटी में जदयू नेताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री सिंह के आगमन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं की लंबी कतार देखी गई। उनके सिरघाटी पहुंचते ही जदयू नेताओं ने फूल मालाओं और ढोल बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर जदयू के प्रदेश सचिव अभय कुशवाहा, जिलाध्यक्ष द्वारका प्रसाद, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, भाजपा नेता प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ चिंटू सिंह, विनय प्रसाद, गुरुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, इसके पहले हम लोग के पूर्व अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कोरोना काल में 1.5 साल तक मुलाकात इन लोग से नहीं हुई, तो इस बहाने मुलाकात भी हो रही है और आभार भी कार्यकर्ता के कर रहे हैं और कार्यकर्ता इनको स्वागत कर रही है, समझिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कार्यकर्ताओं के मंत्री बनने के बाद पुनः आए कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देते हैं। हमारे नीतीश कुमार नेता हैं, उनकी माने फरमान चल रहे हैं। यहाँ के बाद उनका कहाँ का यात्रा है? यहाँ के बाद आपको औरंगाबाद है। औरंगाबाद, हाँ। इस्पात मंत्री के हैसियत से चूँकि और मगध क्षेत्र से काफ़ी उनका जुड़ाव रहा है, लगाव भी रहा है, तो इसमें मगध कहाँ है विकास में इस्पात के मामले में? इसको कोई उम्मीद, कोई आशा? हम लोग भी जेहन में दिए हैं और देंगे भी, और गया और मगध इनके एकदम जेहन में है। इस बात के मामले में कोई हब इंडस्ट्रीज वगैरह गया मगध में, इस पर विचार करेंगे, विचार करेंगे। हाँ, मांग रखा जाएगा। हाँ, मांग रखा जाएगा। आपका परिचय सर? द्वारका प्रसाद, जिलाध्यक्ष जनता दल यू, गया।